जो आपने काम दिया था बोर्डिंग लगवाने का वो हो गया ठीक है, तो मुझे झाड़ू लगा लेंगे ऑफिस में। क्या ऑफिस में मुझे झाड़ू लगा दे ढंग से ना। आपको पता है आप मैं आपका भाई हूँ। हाँ तभी तेरे को तो बोल रहा हूँ, पड़ोसी को थोड़े बोल रहा हूँ झाड़ू लगा जल्दी। झाड़ू लगाने वाले और लोग 12 बज गए, टाइम हो रहा है काफी। वो मुझे पता है 12 बज गए, लेट है हम। मैं 8 बजे से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, उसके से होर्डिंग सही करवानी, वो करवानी, लोग हैं झाड़ू लगाने के लिए। तेरे को बोला एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ काम जरूरी है पर बात सुन रहा हूँ मैं। तू पहले झाड़ू लगा दे, काफी लेट हो गए, तो ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, जल्दी कर। एक बार इधर से उधर हो जाएगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ उतना कर ले, अभी तक कोई इस चीज की समझ इतनी नहीं है, बाद में जब आकर डालेंगे। मतलब जो कह रहा हूँ उतना कर ले, अभी मैं ये डिलीवरी डेट निकाल लेता हूँ कब कब जाने में। अरे जो काम आपने दूसरे लोग को दे रखा है, जो आप कभी सोचते हैं कि आप हमें क्या काम दे रहे हैं? बिल्कुल सोचता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, तुम्हें भाई है। मतलब मैं झाड़ू खटका लगाऊं यहाँ पर, जाके बोर्ड में बाहर का सही करो, उसका कोई इम्पोर्टेंस, इसलिए तेरे को दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ, मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, मुझे पता है कि क्या छोटी चीज है क्या बड़ी चीज है। कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक वो चीज होता है। क्या क्या होता है बता मेरे को, अगर तेरे को झाड़ू लगाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्या होता है बता मेरे को। जो चलाने वाला है अगर वो ये सब काम करेगा यहाँ पर, आप खुद सोचिए ना, सब लोग सामने, तभी तो वो लखपति करोड़पति बनता है, खुद करेगा तो, वरना तो झाड़ू वाले लखपति करोड़पति बन जाए। समझ रहा है? नहीं समझ। जो बे पढ़े लिखे हैं वो हमसे अच्छा अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। बे पढ़े लोग ही फिर तुमसे जो एमबीए कर रहे हो ना, वो टॉप के ऊपर चले जाते हैं। अभी तुम नहीं समझोगे, जो कह रहा हूँ काम कर रहा हूँ, बहुत काम बाकी। उसके बाद और बताइए, काम बताएंगे, पहले इतना तो करो। नहीं झाड़ू लगा लिया, उसके बाद बताइए, जाके शीशे में साफ करो जाके। हाँ कर दे, बस यही काम करेंगे। आप सोचिए ना कि मतलब आप शीशे साफ कर देना ताकि चमक और अच्छी। मैं कंपनी को कहां से ना पहुंचा सकता हूँ, और आप मुझे झाड़ू खटके में फंसा के रखे हुए। तो तुझे लगता है कि कंपनी तो नीचे ही पड़ी हुई है, अभी तक हमने तो कुछ करा ही नहीं, कंपनी अभी तक ऐसे ही चल रही थी। भैया इससे और बेहतर हो सकती कंपनी, तो वही तो इसलिए इसीलिए ही तुम्हें ये सब सिखाया जा रहा है, ताकि तुम हर चीज को समझो यार, और उसको और बेहतर आगे लेके जा सको, अपनी पढ़ाई को उतना ही यूज कर सको, उसकी बेसिक्स, वो जो तुम किताबी पढ़ाई जो करके आ रहे हो एमबीए में, तुम उसके साथ साथ अगर ये काम भी सीख जाओगे तुम्हें। ये काम मैं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, यही काम कर रहा हूँ, तभी समझ आया। मैं यही काम कर रहा हूँ, पूरी गणित में समझ गया हूँ, मुझे पता है कैसे कंपनी चलानी। क्या समझे इसमें बताओ, मैं कि झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरा शरीर फिट हो रहा है, मैं क्या मतलब झाड़ू में तुम्हारी शरीर, दुकान साफ हो रही है, और बहुत लोग कर सकते हो, ऑफिस साफ हो रहा है, और ये काम तो और लोग भी कर सकते हैं, आप ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हैं? आपको कभी लगता नहीं कि ये काम, क्योंकि तू इसमें आगे संभालने वाला है इस चीज, इसलिए तेरे को पता होना चाहिए हर चीज का। मुझे पता लग गया 6 महीने में, और मैं पढ़ाई करके आया हूँ, ये यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए करा है, और आप मुझे झाड़ू खटका दे रहे हैं यहाँ पर। अगर मैनेजमेंट का काम मैं संभालूंगा तो कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी खराब चल रही, पर इससे और बेहतर हो सकती कंपनी। तेरे को क्या लगता है ये काम सिर्फ तू नहीं कर रहा है या तू ही कर रहा है? फिर से पहले पिताजी करते थे, मैं ये नहीं कह रहा, उनके बाद जब मैंने काम सीखा मैं करता था, मैं ये नहीं कह रहा। वो सब एक प्रोसेस है भैया, वो टाइम चला गया, उसको बताओ क्यों, और उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, जब कटाई और शेप में जब डायमंड कटता है, पता है मुझे वो तो सारी चीजें इकट्ठा होती है, वो इकट्ठा होके वो चीजें बाहर कूड़े में ना कोई चोरी हो जाए, मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें। फिर से तो समझ रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ पर और भी क्यों कर रहे हो? और भी ईमानदार लोग हैं जिनको वहां पर काम में लगाया जा सकता है। इतनी ईमानदार, पैसा जब हाथ में आके दिखता है तो कोई सब ईमानदार है ना, सब चली जाती है, फ्री का पैसा आता दिखता है तो कोई ईमानदार नहीं होता। पिछले 25 सालों से मिश्रा जी, ठीक है, आपको सिर्फ लगता है कि यही काम ही मेन है, खटका झाड़ू में जो छोटी बटोरन और वो जो होती है बस वही मैं देखूं, यहाँ पर मैं वो देख सकूं, वो देखूं, और भी लोग से कैमरे लगे, बहुत चीजें हैं कैमरे में, छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आती, वो सैंड में चली जाती है, उनको बारीक से छानना पड़ता है,
तो तुम्हें ऐसे बड़े ढंग डायमंड वो किंग बन जाओगे ये सब खटका और ये करके। वो सब प्रोसेस है, वो समय ट्रेनिंग चल रही है आपकी। आपने कितने टाइम करा है सब काम? मैंने खूब करा है, मैंने दो दो साल तक करा है। दो दो साल करा है हाँ। तभी कंपनी की जो ग्रोथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए कहां पर अटक गई है? आप सोचिए ना, मैं भी आपके बराबर हूँ, आप वहां बैठे रहते हैं और मैं यहाँ पर, मैं भी आपका भाई हूँ और पिताजी के लड़का, हम दो लड़के हैं जो इसको चलाने वाले हैं और मैं खटका देखूं सबके सामने कितनी बेइज्जती होती है। आपने कभी सोचा है क्या? तेरे को इसमें बेइज्जती महसूस होती है? हाँ होती है मुझे बेइज्जती, नहीं होती है मुझे बेइज्जती होती है क्योंकि मैं इसे, क्योंकि इस कंपनी से मैं बहुत प्यार करता हूँ इसको, और मैं इस झाड़ू खटके में अटका रह जाऊंगा वो छोटी छोटी चीज के लिए जहां करोड़ों का मुनाफा दिख रहा है, वो 10,000-15,000 की उस कतरन के लिए अगर मैं सोचता रहूंगा तो कंपनी कैसे चलेगी? आप सोचिए एक बार, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। पता है कितने रुपए का पता नहीं कितने का होता है, 2.5-3 लाख रुपए तक जाता है वो। वो तुम्हारे एमबीए करने वाले की ना तो सैलरी होती है उससे कहीं ज्यादा है, और वो झाड़ू वाला यूं एक दिन में लेके चला जाता है। इसलिए तुम्हें ये सब चीजें सिखाई जा रही है, इसलिए ताकि तुम ये सब जीरो से पता चले तुम्हें कि तुम क्या क्या होता है, कहां कहां क्या सामान जा रहा है तुम्हें पता चले। तो एक काम करते ना, वो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके आपके सामने दे देते हैं। अच्छा। आप उसे चेक कर लीजिए, मतलब हमेशा ये काम मैं ही करूं। शर्मा जी 20 साल से काम कर रहे हैं, वो भी अकाउंटिंग का काम देखते, चाहे वो भी हेर फेर करके बहुत मुनाफा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए ना, एक हर चीज का एक वो होता है, तरीका होता है। पूरे सारे हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सब बैठे उनके सामने आप बोलते झाड़ू खटका देखो कितना खराब लगेगा, वो बाहर हंसते घर पे मेरे पर। कौन हंसता है? मैं जितने भी काम करने वाले सब भी और कोई मेरी सुनता नहीं है। कोई इसमें कोई बुराई नहीं, मुझे तो नजर नहीं आती। अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपने पैसे बचाने में, अपना बिजनेस करने में कौन सी बुराई नजर आ रही है? तो मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है इसमें। बुराई नहीं, मैं आपकी पूरी बात मान रहा हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। तो फिर क्यों परेशानी हो रही है? मैं लगा झाड़ू, मैं लगा झाड़ू, झाड़ू आप मेरी बात, मैं नहीं चाहता हूँ आप झाड़ू लगा, शर्मा बात नहीं है ऐसा लग रहा है झाड़ू निकल के लगा। ये सब कोई बात नहीं है, आप मेरी बात कौन सी बात है? आप बैठिए, दो मिनट बैठिए ना, बैठ के बात करते, इतना वो मत करिए पूरा, वो लोग इसका हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। आप बैठिए दो मिनट, प्लीज बैठिए। हम इस तरह बात इतनी छोटी सी बात, तेरे को खुद पता है ऑलरेडी, जब तू कह रहा है कि क्यों झाड़ू लगाई जाती है, फिर तू छोटी सी बात पर बहस क्यों कर रहा है मेरे साथ? काम करके आगे बढ़ना चाहिए। बताइए ठीक है, ये कब तक ऐसे चलेगा? और उसके बाद मैं भरी दोपहर में बाहर आता हूँ, उधर से सब चीजें देखता रहता हूँ। उसके बाद मुझे केबिन भी चाहिए अलग, केबिन मैं भी, मैं उनके साथ शर्मा जी के साथ अपना केबिन शेयर करूँ। तो ये बताइए, मतलब मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ मेरे पर्सनल स्पेस हो जहाँ बैठ के मैं सारी चीजें देखूँ। ठीक है, अगर आप मुझे यही काम दे रहे हैं तो ये जो काम झाड़ू लगाने वाले, इनका मैनेजमेंट मैं देख लूँ, इसके लिए मुझे एक अलग केबिन दिया जाए, एक अलग डिपार्टमेंट दिया जाए, वही शर्मा जी के साथ मैं बैठा रहता हूँ पूरे टाइम। मतलब एक बेपढ़ा लिखा इंसान, बेपढ़ा नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान, वहां पर आके उनके साथ मुझे बैठा दिया जाता है। तो तुम्हें उससे सीखने को मिल रहा है ना? सीखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। पर आप सोचिए ना कि मैं, हम दोनों बराबर के हकदार हैं और मैं उनके साथ जाके बैठ रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरा एक केबिन हो, वो मेरे साथ वहां बैठे। अरे तो मैं तेरे को क्यों करा रहा हूँ ये सब? ताकि कल जब मैं चला जाऊंगा तो तू इसको संभाल लेगा, ताकि तेरे को पता हो शर्मा जी क्या कर रहे हैं, मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, सब तेरे को पता होना चाहिए। झाड़ू वाला क्या कर रहा है सब तेरे को पता होना चाहिए, कैसे जीरो से काम होता है तेरे को पता होना चाहिए। आज मेरे को बेटा ने सिखा के ना गए तो मुझे क्या पता होता। चलो मैं यही बैठा रहूंगा क्या? पिताजी जैसे चले गए, मैं भी किसी ना किसी दिन चला जाऊंगा। कौन संभालेगा फिर? कौन लेके जाएगा इसको ऊपर? किसके लिए हो रहा है ये? मैं साथ तो लेके जाने जा नहीं वाला इसको। मैं जब इतना हमारे बारे में सोचते हैं तो एक केबिन भी आप कर दीजिए। ठीक है, तेरे लिए केबिन भी हो जाएगा। झाड़ू कहाँ है? लगाओ अच्छे से लगाना, केबिन में तैयार रखिए, मिल जाएगा।